ये है धुलेरा का बस स्टॉप। ये जो चीज आप देख रहे हैं अभी फुली कंप्लीटेड नहीं है, लेकिन लगभग 70% बनके तैयार हो चुका है। और ऐसे बस स्टॉप आपको धुलेरा में हर एक किलोमीटर में देखने को मिलेंगे। दोनों तरफ अगर आप देखेंगे तो वहां पर भी एक बस स्टॉप है। जूम करके दिखाइएगा ताकि समझ सकें लोग कि कितने आसपास ये बस स्टॉप बना के तैयार किए जा रहे हैं। इन बस स्टॉप की खासियत मैं आपको बता देता हूं कि ऐसे बस स्टॉप आपने भारत में पहले कभी नहीं देखे होंगे। ये रहेंगे हाईटेक बस स्टॉप। यहाँ पे बकायदा सेंसर्स, बकायदा एलईडी, पूरे ऐसा बताया जा रहा है कि एयर कंडीशनर ये बस स्टॉप होने वाले हैं। और सेंसर क्यूआर कोड वगैरह टाइप यहाँ पे लगाया जाएगा, जो चीजें हम टेक्नोलॉजी की मूवीज में देखते हैं कि भाई कोई आया बस स्टॉप से, उसने स्कैन किया, उसको पता लगा कि कहां से बस कहां जा रही है, कौन सी बस आने वाली है, वो चीज आपको यहां पर देखने को मिलेगी। कुल मिलाकर जो मैं चीज आपको बता रहा था कि धुलेरा में हर एक चीज को बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान में रख के डेवलप किया जा रहा है। अब समझिए इतने हाईटेक बस स्टॉप, जो शहर अभी पूरी तरह बनके तैयार नहीं हुआ, वहां पर इतने हाईटेक बस स्टॉप बना के तैयार किए जा रहे हैं। अभी हम गांव में और अन्य शहरों में जाते हैं तो हमें ऐसे बस स्टॉप जहां पूरा शहर बस चुका है, लोग आ चुके हैं, अच्छी तादाद में लोग रह रहे हैं, वहां ऐसे बस स्टॉप हमें देखने को नहीं मिलते। कई सालों तक पुराने बस स्टॉप हैं, खंडहर बस स्टॉप हैं, वहां लोग आते जाते हैं, वहां लोग ठहरते, जहां उनको सुविधा नहीं मिलती। लेकिन आप समझिए कि जहां पर मैं खड़ा हूं यह शहर अभी बना नहीं है, रोड खाली है, लेकिन रोड बनके तैयार है। ये जो पूरा बस स्टॉप का कॉन्सेप्ट है ये भी लगभग 70% बनके तैयार है। कुल मिलाकर धुलेरा में जो काम हो रहा है वो यूएस स्ट्रेटजी, जो मतलब विदेशी लोग स्ट्रेटजी अपनाते हैं कि भाई पहले डेवलपमेंट उसके बाद फिर लोगों को बसाते हैं। अभी हमारे भारत में क्या होता है कि भाई लोग बस जाते हैं, फिर बाद में याद आता है कि भाई अभी पानी की पाइपलाइन डालनी है, फिर रोड खोदना शुरू हो जाता है, फिर पता लगता है कि भाई बस स्टैंड बनाना है तो आसपास का तोड़फोड़ बिल्डिंग बनाना शुरू हो जाता है, फिर पता लगता है कि हमें यहां पर एक एक्सप्रेसवे निकालना है तो पूरे के पूरे दुकान, पूरे की पूरी मार्केट, पूरे के पूरे मकानों को तोड़ना शुरू कर दिया जाता है, और कहीं पर लीकेज हो जाती है तो रोड़ों को ऐसे ही खोद दिया जाता है। लेकिन यह चीज अब हमें धुलेरा में देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि धुलेरा में कॉन्सेप्ट जो है वो ग्लोबली लिया गया है, ग्लोबल तरीके से यहां पर चीजों को एस्टेब्लिश किया जा रहा है ताकि लोगों को समझ में आए कि यार धुलेरा वास्तव में एक हाईटेक शहर है, धुलेरा वास्तव में एक ग्लोबल शहर की तरह बनकर तैयार हो रहा है। जो चीजें विदेश में जैसे कि यूएस, जापान, दुबई वगैरह में देखने को मिलती हैं, वो चीजें अब हमें चंद सालों बाद धुलेरा में देखने को मिलेगी। और देख रहे हैं, सामने दिखा रहा हूं, ये कोई इमेजिनेशन नहीं है, ये कोई वीडियो का एनिमेशन नहीं है, ये कोई चीज ऐसा नहीं है कि मैं आपको दिखाऊंगा कि भाई ये जमीन पे ऐसा होगा, ये चीज सामने है आपके सामने। मैं यहां बैठ के, जमीन पे बैठ के, इस बस स्टॉप पे बैठ के ये चीज मैं आपको दिखा रहा हूं। और एक चीज बस कोशिश कर रहा हूं कि समझ में आ जाए कि धुलेरा एक प्रोग्रेसिंग सिटी है, धुलेरा एक वो सपना है जो सिर्फ एक किसी नेता का नहीं है, जो सिर्फ किसी एक शहर का, किसी राज्य का नहीं है, धुलेरा पूरे भारत का सपना है और बड़ी तेजी से डेवलप हो रहा है। और जो भारत का सपना है कि भाई मोदी जी जो बोलते हैं कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हमें चाहिए, तो मुझे लग रहा है कि धुलेरा का जो योगदान उस 5 ट्रिलियन इकोनॉमी में होने वाला है वो एक लाजवाब होने वाला है।